हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिशा हेतल, अश्वमेघ विद्यालय, किला पाडी, चैप्टर नंबर 4, स्टैंडर्ड 7, सब्जेक्ट इंग्लिश। बिफोर यू रीड, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। द नेबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर एंड अनएक्सेप्टेड फेस। यहाँ जो स्टोरी है वो किसके, एक ऑनेस्ट पर्सन और हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल की है, और उसके साथ क्या है, एक पैट डॉग। तो देखते हैं, द एसिस दैट मेट ट्रिब्लम पार्ट 1। इन द गुड ओल्ड डेज एंड ओल्ड डायमंड्स देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज अ लिटल डॉग। जो ओल्ड कपल है वो उसकी फैमिली शांति वाइट मन से रह रहे थे, और उसके साथ कौन रहता था, एक पैट डॉग। हैविंग नो चिल्ड्रन, उसका कोई चिल्ड्रन नहीं था। दे लव्ड एज दो इट वेर अ बेबी। जो पैट डॉग कुत्ता था उसको वो बेबी की तरह ओल्ड कपल रखते थे, क्योंकि उसके पास कोई उसका बेबी नहीं था। द ओल्ड डेम मेड अ कजिन ब्लू क्रैप इन एट मिल टाइम मुको, फॉर देट वॉज इट नेम, वुड सिट ऑन हिज स्नंग एंड एनी कैट। कोई टाइम उसके पास टाइम पास के लिए कोई कैट आ जाती थी। द काइंड पीपल फेड द पेट विथ टिट बिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ऑन चॉप स्टिक्स एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड। उसको खाना अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का पेट को भी चाहिए था, इसलिए वो अलग अलग तरह, क्योंकि उसके पास कोई बेबी नहीं था अपना, इसलिए वो कुत्ते को ही अपना बेबी मानते थे, इसलिए डिफरेंट टाइप्स का फूड उसे देते थे। थस क्रिएटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट प्रैक्टिस लाइक बींग विथ अ श्राउल। द ओल्ड मैन बींग अ राइस फार्मर वेंट डेली विथ हर और स्पेड इन टू द फील्ड्स। जो ओल्ड मैन था वो राइस फार्मर, हर रोज वो कहाँ पे जा रहा था, फार्म में काम करने के लिए। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटोसामा हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स। वो कहाँ पे जा रहा था, टेकरी के पीछे, हिल के पीछे, कहाँ से, शाम तम वर्क करता था। एवरी डे द डॉग फॉलो हिम टू वर्क। हर रोज उसको वो जहाँ भी काम करने के लिए जाता था, हर रोज वहाँ पे उसका कित्ता जो पेट डॉग था वो पीछा करता था। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हिरन दैट वॉक इन द फुट स्टेप ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स। फ्रॉम द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरी थिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्न अप अ सॉर्ड एंड प्रपोज टू गिव फूड द बर्ड्स। एक दिन क्या हुआ कि एट अ सडन, अचानक द डॉग स्टॉप एट सॉर्ड एंड बिगेन टू बार्क बाउ बाउ वेगिंग द फॉल वायलेंटली। द ऑल पीपल थॉट दैट मस्ट बी समथिंग नाइस टू अंडर द ग्राउंड। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम पुटिंग हिज पाव्स अगेन हिज लेग्स एंड monitoring with his head to some spot behind. The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it, but the dog kept on whimpering and running and for some minutes. Then the old man followed the dog and few yards place where the animal began a lively scratching, thinking it was possibly a bird, bone or bit to fish. The old man struck his hoe in the earth, went low and like gold gleam before him. एक दिन क्या हुआ कि जो उसका कुत्ता था वो हर रोज़ उसको जो भी खाना देता था वो हर रोज़ चुपचाप खा लेता था, पर एक दिन ऐसा हुआ कि उसके कुत्ते को जो भी खाना दिया था वो ऐसा ही पड़ा हुआ था, जो कुत्ते ने कुछ भी खाया नहीं था। तो वो जो ओल्ड मैन था वो सोचने लगा कि आज कुत्ते ने क्यों खाना नहीं खाया, वो अपने आप सोचने लगा, क्योंकि हर रोज़ कुत्ता खाता था, खेलता था कुत्ता था, आज कुत्ता कुछ भी खा भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं है, इसलिए वो सोच में पड़ गया। दस इस ओवर द ओल्ड कपल वेर मेड रिच। जो ओल्ड कपल था वो धीरे धीरे कैसा होने लगा, रिच। द गुड साउल्स बॉट ए पीस ऑफ लैंड मेड ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड गेव प्लेंटी फुल टू देयर पुअर नेबर्स। धीरे धीरे उसके पास क्या आने लगे, बहुत सारी जमीन, गुड फ्रेंड्स, और धीरे धीरे वो रिच होने लगे। बट उसका जो नेबर था वो कैसा था, पुअर था। एस फॉर द डॉग, द
they pitied him till they nearly smothered him with kindness. Now, in the same village, there lived a wicked old man and his wife. Now, उसके जैसा ही एक same village था, वहाँ पे एक wicked old man and his wife रहते थे, not a bit sensitive and kind. वो कैसे थे? ना ही संवेदनशील और दयालु. Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. वो क्या करते थे कि जो old man couple था वो एक अलग था, और उसके जैसे ही same old man और एक couple दूसरे गांव में रहते थे, तो वहाँ से जो भी कुत्ता जाता था उसको वो धिक्कारते थे, मारते थे. उसको कोई भी पसार हो, वो egoist person ऐसे थे. Hearing of their neighbor's good luck, they coaxed the dog into their garden and set before his bits and fish their dignities, hoping he would find treasure for them. But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor move. वो हर रोज फीस अलग अलग तरीके की डिफरेंट टाइप की वानगी वो कुत्ते को खाने के लिए दे देते, फीस ऐसा दे देते. देन नेक्स्ट पार्ट आई एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.